काट तो रही हूँ, वो मसाला काट के रखा हुआ है, अभी पानी पी रही हूँ सर, जाऊंगी जाके बनाऊंगी। कोरोना टाइम तो देखो, रात के 12 बजे बनाओगी क्या यार? सिस्टर मिसाला तो मुझे पता है इनका काम का। से पूछो, हर रोज आपको 12 बजे खाना मिलता और 1 बजे मिलता है, मगरब से पहले पहले आपको खाना मिल जाता है। वैसे भी हुकूमत ने कहा कि 2 शादियां कर लो, 12 बजे आपको खाना ना खिलाए ना, फिर देखना ये मेरे पैर चूमेगी। पूछो कि आपकी मामा जाए, बच्चों से क्या मिला है? रहमान रहीम, माशाल्लाह जी चिकन जो है वो अच्छी तरह से धुलाई होकर आ चुका है। दुनिया से जो भी बन गया झल्ला हुसैन। औरतों का अक्सर काम होता है मर्द को आग लगा देना, अच्छी खासी बात के ऊपर ऐसा गुस्सा दिलाना, चढ़ाई हो जाता है। बीपी हाई होते हैं और आपके नहीं हो सकते, आपके हर बार मर्द का बीपी हाई हो जाता है, मर्द का मीटर स्टार्ट हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, जान भी रहो, खुश रहो, बाद रहो, सर मुस्कुराते रहो, खुल रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। व्लॉग जो हमारा शुरू हो चुका है, व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। सुबह सुबह का टाइम है और काम जो है ना कुछ मैंने घर का कर लिया है और कुछ जो है ना अभी रहता है करने वाला है। और जैसा कि सबसे पहले जो उठती हूँ मैं, घर की सफाई वगैरह करती हूँ। इस कमरे में भी मैंने सफाई की है, झाड़ू वगैरह लगाया है और पानी वगैरह भी यहाँ पर लगा लिया है। और बाहर जो है ना ये हॉल कमरे में सारे का सारा मैंने झाड़ू लगाया, फिर उसके बाद पानी लगाया, पानी लगा के फिर इसको जो है ना बेहतरीन ओके कर दिया है। और इस कमरे में भी मैंने सफाई सारी मुकम्मल कर ली है, मतलब सफाई जो है ना, सफाई वाला काम मेरा मुकम्मल हो चुका है। और उसके बाद जो है ना अभी बारी आती है नाश्ता वगैरह बनाने की, क्योंकि नाश्ता जो है ना अभी नहीं बनाया। और अब जो है ना आटा गूंदूंगी, रोटियां बनाऊंगी। रात को जैसे चावल वगैरह बनाए थे तो वो तो रात ही खाए थे, तो अभी सुबह का जो है ना नाश्ता बनाऊँगी। तो कुछ खाने पीने के लिए मतलब सालन वगैरह वो भी कुछ बनाना पड़ेगा। और उसके बाद चूल्हा जो है ना मेरा यहाँ पर ख़राब हुआ पड़ा था, तो मैंने सुबह सुबह इसको धो लिया है। ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको साफ कर लिया है। अभी ये जो है ना चमक रहा है, बेहतरीन लग रहा है। तो मैंने कहा कि काफ़ी दिन हो गए हैं इसको धुलाई नहीं किया, तो ये ख़राब लग रहा है, क्यों ना इसकी सफाई कर लूँ, अच्छे तरीके से इसको धो लूँ। क्योंकि आंधी आती है तो मिट्टी वगैरह और घी वगैरह जैसे गिरता है तो वो चिकनाहट सी हो जाती है, ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने उसको धो के साफ़ कर लिया है। और अब आटा गूंथती हूँ और रोटियाँ बनाती हूँ। रोटियाँ बनाने के बाद फिर उठेंगे इमरान भाई और वसीम जो है ना वो जाएंगे पानी ले आएंगे, क्योंकि 7 बजे जो है ना पानी आता है। तो अभी 7 जो है ना बजने वाली है, बजी नहीं है। और जैसे ही 7 बजेगी तो वो पानी लेने चले जाएंगे। पानी क्योंकि कम है, थोड़ा सा बचा रखा है, तो अभी ये नाश्ता वगैरह बनाऊँगी तो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर दोबारा से जो है ना ये पतीला भी भर के रख देंगे, ये बाल्टी भी भर के रख देंगे और उसके बाद एक कूलर भी भर के रख देंगे। तो बर्फ़ वगैरह ले आएंगे तो इसमें डालेंगे। जैसे कि आपको बताया था, फ्रिज हमारी जो है ना वो स्मेल की वजह से ना उसमें कोई चीज़ रखते नहीं है, ना ही पानी, ना ही बर्फ़ बनाते हैं, ना कुछ भी नहीं रखते, तो ख़राब हो गई थी। तो हमें काफ़ी बहन भाइयों ने कहा है कि आप सिरके से धोएं, तो सिरके से ये जो है ना स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाएगी। तो कल शाम को आपके भाई लेकर आए थे तो वो अभी रखा है, मैंने कहा कि नाश्ता वगैरह बना लूँ और फ्रिज को जो है ना साफ़ कर लूँ सिरके से साथ। और जैसे ही वो साफ़ हो जाएगी तो फिर उसको यहाँ पर रख के फिर चला देंगे, क्योंकि कितने दिन हो गए हैं कि फ्रिज जो है ना हमने चलाई नहीं है। तो ठंडे पानी की वजह से बर्फ़ खरीद खरीद के ना काफ़ी सारे हमारे पैसे भी लग जाते हैं और पानी जो है ना वो भी टाइम पर ठंडा नहीं मिलता। एक कूलर बना के रखते हैं तो तकरीबन आधा दिन जो है वो लगता है तो ख़त्म हो जाता है। तो फिर दूसरी मरतबा फिर बर्फ़ लेनी पड़ती है, फिर पानी बनाना पड़ता है। तो 3-4 मरतबा दिन में हम बर्फ़ लेते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आज अपनी फ्रिज को साफ़ करती हूँ, धुलाई करती हूँ, तो इंशाल्लाह वो सही हो जाएगी। तो आज फ्रिज को चालू करेंगे, और क्योंकि अपनी फ्रिज में पानी भर के जैसे ही रख दे तो अच्छा खासा काफ़ी सारा पानी होता है, जैसे ही ख़त्म होता है तो और रख देते हैं, तो पानी का मसला नहीं बनता। तो इसलिए तो अभी शुरू करती हूँ नाश्ते वगैरह का जो है ना प्रोग्राम बनाती हूँ, और उसके बाद बाकी भी जैसे भी व्लॉग बन पाएगा आप तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर करती रहूँगी।
और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करनी, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो अभी चलते हैं नाश्ते की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक तबीयत पाठ होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। व्लॉग हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग, आज हम क्या बनाने वाले हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। पूछते हैं अपना नादिया से वो आज क्या जो है ऑर्डर करती है सब्जी वगैरह के बारे में, तो उनसे चल के मिलते हैं, बातचीत करती है, फिर वो जो चीज़ भी कहेगी वो लेकर आएंगे, फिर बनाएंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे। जो भी माहौल ना चौक वगैरह का होगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक हो गया, आपने साथ रहना है, वीडियो स्पेक नहीं करनी है, वीडियो मज़ेदार होने वाली है। वो फिर बाद में आपने ये नहीं कहना चाचा रियाज की तरह कि रोज़ आप कहते हो आज की वीडियो मज़ेदार है, जब चलाते हैं तो नादिया आप होते हो, तो हम ही होंगे ना और कौन होगा। तो अभी चलते हैं इधर, पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज क्या प्रोग्राम है बनाने का, खाने वगैरह बनाने का? आज चिकन ले आए। अच्छा, चिकन का मूड है? चिकन बना लेंगे और रोटियां वगैरह बना लेंगे। अच्छा, खत्म के लिए दे देंगे ना। हाँ, आज 10 मुहर्रम है, जैसे तमाम बहन भाई जानते हैं। कल हमने बनाया था आलू वाला पुलाव, आज हम बनाएंगे चिकन, तो चिकन और रोटियाँ ख़त्म वगैरह के लिए, और आप भी खुद भी खा लेंगे। कैसे? अभी बाइक निकालता हूँ और चलता हूँ जी सामान लेने के लिए। तो बाइक जो है ना मेरी इस कमरे के अंदर मौजूद है, ये देखें, इसको अभी लेके जाते हैं, फिर लेके आते हैं उधर से सामान वगैरह जो भी लेना है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? तबीयत सेहत कैसी है? ठीक है भाई, ज़बरदस्त है। आप ऐसे करें, मिसाला दे दें, हाँ 100 का दे दें, टमाटर भी डाल दो, प्याज भी डाल दो, टोटल मिसाला सही है। जब तक मैं ना इधर से सामान ले लूँ, चिकन ले लूँ, अस्सलाम वालेकुम। चाचू क्या हाल है? तबीयत सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह का करम है बड़े भाई। जबरदस्त है, जबरदस्त है। क्या रेट है आज का? 550 रुपए किलो जी। 550 रुपए, 550 रुपए किलो। कलेजी पड़े के बगैर 1.5 किलो कर दें। 1.5 किलो VIP साफ सुथरा डालना, बीच में नहीं डालना कलेजी, भाई एक आध कलेजी डाल देनी है बस। 800 रुपये का कर रहे हैं, सीधा 825 का बनता है, 800 रुपये का कर रहे हैं। लेग पीस दे दो, सीना दे दो, क्या दे दो? लेग पीस दे दो, सीना दे दो, जो दिल करे दे दो। वैसे इधर से सीना भी आ जाएगा है ना? हाँ सीना भी आ जाएगा। 800 चलें जी, इसको साफ करके ना अच्छी तरह से फिर बना दें। 800 का जी जनाब, काम का मूड है नहीं है, टाइम देखा है नहीं है, मूड मेरा मुझसे नहीं होता, आपका सालन वगैरह बनाओ जल्दी, टाइम टाइम नहीं नहीं होता, ये है फला है। काट तो रही हूँ, वो मिसाला काट के रखा हुआ है, अभी पानी पी रही हूँ सर, जाऊंगी जाके बनाऊंगी। एक एक चीज़ आपको बतानी पड़ती है, अभी ये करनी है, वो करनी है, वो करनी है। यार कौन सा, आप मुझे बता, टाइम देख लिया करो ना, टाइम तो देखो, रात के 12 बजे बनाओगी क्या? यार सिस्टर मिथाला तो कटाई कर गया, अभी रात के गई है, ये देखो ऐसे काम का गुस्सा हो रहे हो, काम शुरू। और यार मैं जानता हूँ रात के 12 बज जाएगी, मुझे पता है इनका काम का। पूछो, हर रोज आपको 12 बजे खाना मिलता है और 1 बजे मिलता है, मगरब से पहले पहले आपको खाना मिल जाता है, मगरब से पहले मिल जाता है। अच्छी बीवी मिली है इसलिए फूटे। मैं जानता हूँ आपसे बहुत अच्छी पड़ी हुई है, ये नहीं है कि आप अच्छी हो, कोई अच्छी सी जो। चलो वैसे भी हुकूमत ने, वैसे भी हुकूमत ने कहा कि 2 शादियां कर लो, 12 बजे आपको खाना ना खिलाए ना, फिर देखना ये मेरे पैर चूमेगी, ये मैं आपको बता दूँ। तेरी
खैर, मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि आपके पाँव चूमेगी, आपके पाँव चूमे, आप ये बता दो कि मैं कर लूँ शादी। हाँ, कर लो, सोच लो, इजाजत है, जाओ कर लो, सोच लो फिर भी। ना दो, इजाजत ना दो। नहीं भाई, आप ऐसी बात नहीं है, इजाजत है मेरे तरफ से, अगर आपकी बीवी आपके पैर पाँव ना चूमे तो फिर कितना इनाम दोगे? जो मुंह मांगे कीमत दूंगा। वो तो मेरे सामने ऐसे पूछ, मेरे सामने ऐसे नहीं, आप अपने आप को अच्छी बीवी समझते हो, मैं जी अच्छी बीवी हूँ, ये हूँ, फला हूँ, और मेरे जो अच्छी बीवी हूँ और अच्छी, जो मेरे पीछे शोहर की बीवी हूँ और अच्छे बच्चों की, मैं आज अगर कह दूँ ना कि मुझे रिश्ते की जरूरत है, जिसने मेरे साथ शादी करनी है वो आ सकती है। अच्छा। तो सुबह देखने इधर लाइन लग जाएगी। ये नहीं है, भूत ना मारो यार, ये इसको मारने दो। नहीं, भूत की कौन सी बात है, ये भूत की बात है जी, ये फूट की बात, फूट की बात है, फूटे बना ऐसे दूंगा ना, ऐसे दो दो चाहे चार दो चाहे एक बजा दो ना मेरे सर के ऊपर, मैं इस घर से जाने वाली नहीं हूँ। पहले मेरे बच्चों से पूछो कि आपकी मामा जाए, बच्चों से क्या पूछना है, मैं आपको, मेरी बात सुने, तंग करेंगे ना, मेरी बात सुने, मैं आपको निकाल नहीं रहा हूँ घर से, किसने कहा कि आपको निकालो? नहीं साहब, जा रहे आप दूसरी शादी करोगे, मैं तो नहीं रहूंगी ना यहाँ पर। खुद कहा ना शादी, मैं नहीं कर रही। जब हुकूमत ने कह दिया कि मर्द दो शादियाँ करे, हुकूमत ने कह दिया, लेकिन अपनी बीवी से पूछो नहीं। अच्छा वो ना टिकटॉक के ऊपर मैं देख रहा था, टिकटॉक के ऊपर देख रहा था, उन्होंने कहा नवाज शरीफ, आपने शहबाज शरीफ, आपने हमें जो है ना बीच में फंसा दिया। आप कहते हो आप भी हुकूमत चला रहे हो ना, आप कहते हो दो शादियां करो, जो हमारी पहले वाली पुरानी हुकूमत है वो कहती है करके दिखाओ, हम कहाँ जाएं? सही तो है, सही तो है, करके दिखाओ। मैं ऐसा दूंगा ना, एक ट्रक ट्रक होगी, फिर क्या होगा? हाजरा की और इसकी मम्मा की शक्ल एक जैसी है, मयूस है। इधर आ जाओ, अपने बच्चे से आ जाओ, इधर आओ, वीडियो पॉइंट बन रही है, आ जाओ आ जाओ इधर। इब्राहिम, आपके अबू कहते हैं कि मैं दूसरी शादी करता हूँ, क्या ये आपके अबू दूसरी शादी कर ले? नहीं, बच्चे भी इजाजत नहीं दे रहे, बच्चे भी आपके इजाजत नहीं। और आपकी और एक मम्मा आ जाएगी, कैसे, ये अच्छी है क्या? नहीं, ये अच्छी नहीं है, अच्छी है आप और ना लाओ, और ना लाओ, अच्छी है आप और नहीं लाओ। ये फिर टाइम पे खाना नहीं बनाती, बनाती है। ये नहीं बनाती टाइम पे खाना। चलो जी, अभी खाना वगैरह बनाते हैं, वैसे शुक्र मजाक कर रहे थे तो मैंने कहा थोड़ी जो है ना बातचीत हो जाएगी, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं, जैसे भी रेसिपी वगैरह बनाती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। कैमरा मैन पता नहीं हमारा किधर ताड़ के बैठा है, हम पता नहीं कैमरे में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो नहीं उठाओ, इतनी टमाटर नहीं उठाते हो पागल, टमाटर इतनी खाया करो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बाद में। अभी जी इन्होंने ये नमक डाल दिया है, वो किस में, ए चिकन में, तो ये नमक के साथ होगी क्या? ये क्योंकि सिरका पड़ा है, इसके साथ गोश्त अच्छा धुलई होता है वैसे। चलो जी, अभी नमक भी है तो कोई नो टेंशन, कोई मसले वाली बात नहीं है वैसे। तो इसको ना अच्छी तरह से धुलाई करती हैं सिरके के साथ, और उसके बाद जो है ना फिर देखती हैं इंशाल्लाह। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, क्योंकि पंखे का शोर होता है, मैं कहता हूँ जब हम वीडियो बनाए तो पंखा बिल्कुल बंद हो, फिर और गर्मी को छोड़ो छोड़ो, गर्मी शर्मी को, कोई गर्मी नहीं है आज। देखो इधर देखो कैसे दरख्त जो है ना वो स्पीड में चल रहे हैं, लेकिन आपको हवा नहीं, कैसी हवा है कि नहीं है? वीआईपी हवा चल रही है जी, और फिर भी ये कहती है आपको गर्मी होती है, पसीना तो आता है गर्मियों का मौसम है, लेकिन जब ज्यादा गर्मी होती है उल्टियाँ शुरू हो जाती है, मुझे ना उल्टियाँ शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी ठीक है। बहरहाल चलते हैं, चल के वो चिकन धुलाई करते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे बाकी का काम जो भी होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी, चिकन जो है वो अच्छी तरह से धुलाई होकर आ चुका है, और इधर जो है ना लगता है मिसाले वगैरह हैं। हाँ जी, ये भी आ चुके हैं, और दोनों को ना ऊपर से ढाँप देते हैं इस तरह, एक ढाँपा जाएगा एक नहीं ढाँपा जाएगा। चलो कोई और बर्तन लेते हैं और दूसरे मिसाले जो है ना ढाँप देते हैं, चिकन ढाँप दिया, और बाकी जो है ना माशाल्लाह सारा सामान ऐसा ऐसा रेडी हो रहा है। तो देखते हैं फिर नादिया किस टाइम बनाना स्टार्ट करती है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा था कि जल्दी जल्दी से बना ले, ताकि फिर ये रात को अंधेरे में ना वो मज़ा नहीं आता जो दिन को खाने का मज़ा आता है।
लेकिन ये समझती नहीं है किसी की बात, तो इधर से ना लाइट चला देते हैं क्योंकि अंधेरा हो गया है, लाइट चलाना बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाह करते हैं और इधर खाना वगैरह जो है वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्या बना रहे हो? हा? क्या बना रहे हो आज? आज आप बना रहे हैं चिकन। चिकन? अच्छा, आप चिकन के शौक से खाते हो? अच्छा, क्या सटवाया है? कलेजी? वो कहते हैं हमने कलेजी भी चिकन में डलवाई थी ताकि ये कलेजी खाता है, और गैस जो है हमारा चल चुका है, अभी इसको लगाते हैं आग। आग लगाने के बाद फिर जो है हम कढ़ाई वगैरह ऊपर रख देंगे। अभी चावल खाए हैं? वो कहाँ से खाए? ओ बिस्मिल्लाही, आग लगा दी। औरतों का काम होता है आग लगाना, मर्दों को औरतों का अक्सर काम होता है मर्द को आग लगा देना, अच्छी खासी बात के ऊपर ऐसा गुस्सा दिलाना कि मर्द जो है ना मिनट के अंदर अंदर उसका बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मर्द के बड़े बीपी हाई होते हैं और आपके नहीं हो सकते? आपके हर बार मर्द का बीपी हाई हो जाता है, मर्द का मीटर स्टार्ट हो जाता है, औरत का भी हो जाता है। ये क्यों उठा रही हो? ये तो वैसे रख रही हूँ मुझे, क्योंकि प्यारे बहन भाइयों आपने जरूर बताना है, क्योंकि जो मर्द हजरात है ना वो कहेंगे ये बात आपने बिल्कुल सही की है, औरत का काम है आग लगाना, और जो मेरी सिस्टरें वगैरह हैं माए हैं वो कहेंगे अकरम खान आपने क्या काम शुरू कर दिया है, आप औरतों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। वैसे ऐसा इल्जाम मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं जो है ना हाँ सही कह रहा हूँ, आप भी आपने सुन ली ना, नादिया ने भी कह दिया कि आप सही कह रहे हो। नहीं कह रही कि आप जो है ना ये बात सही कह रहे हो, अकरम खान आपने जो है ना हमारी जो बहने हैं माए हैं ना वो सही कहेंगी कि हाँ अकरम खान आप गलत बात कर रहे हो। अच्छा, पहले आपने जुबान आपकी सही पर गई है, अभी गलत पर आ गई हो। गलत कहते हो ना, गलत पर आती है। अभी इधर ये लहसुन और अदरक की हो रही है जी, कुटाई साथ में रखा है, पानी साथ में रखे हैं, मिसाले साथ में रखा है, घी। हर काम में जल्दबाजी, हर काम में भाई जल्दबाजी नहीं है यार, जल्दबाजी नहीं है। आप बिस्मिल्लाह करो और इसमें घी ऐड करो बस, और बातों को छोड़ो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, घी जो है हमारा वो भी ऐड हो चुका है, और काफ़ी जो है ना मुझे कहते हैं कि आप ना कैमरे की जूमिंग करते हो फिर छोड़ते हो, इसलिए ना मैंने कल की जूमिंग करना छोड़ दिया है, ताकि काफ़ी हमारे जो देखने वाले बहन भाई हैं वो कहते हैं हमारे सर में दर्द हो जाता है, और जब आप ये एक बार जूम करके फिर पीछे फेंकते हो ना तो LCD में ऐसे लगता है जैसे बंद हो गई है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आज जो है ना हम जूमिंग वगैरह नहीं करते, जैसे भी बनेगा व्लॉग सिंपल सिंपल व्लॉग बनाते हैं। सिर्फ नादिया को ना आज व्लॉग में ऐसी ऐसी मैं बातें सुनाऊंगा और वो मुझे सुनाएगी, आप सुनते रह जाओगे। कैसे है? आप सुनाते रहो। सही बात की है कि नहीं? नादिया को कोई बात, क्योंकि आज जो है ना मेरी तबीयत काफी बेहतर हो गई है माशाल्लाह, इसलिए आज व्लॉग भी हंसी खुशी बना रहा हूँ, नहीं तो मुझे इतना गुस्सा आता था मैं कहता था व्लॉग भी ना बनाऊं। उसकी वजह यह है कि जब इंसान की तबीयत जो है ना वो ठीक ना हो ना, वो कहता है कि कोई बंदा मेरे साथ बात भी ना करे, तो इस वजह से मैं कहता था कि मैं सोया रहूं बस, क्योंकि गर्मी। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मिसाले डाल दिए, मुझे बताया भी नहीं है, देख तो रहे थे। मेरे ऊपर घी आ जाता फिर क्या होता? मुझसे कितना दूर बैठे थे, आपके ऊपर घी आता, मेरे ऊपर तो नहीं आता ना। चलो अपनी मर्जी करो, चलो जल्दी जल्दी करो अपनी मर्जी। हाँ तो प्यारे बहन भाई अभी जो है ना मैं आपको एक नात सुनाता हूँ, जैसे आप जानते हैं कि मुहर्रम की 10 है आज। मियां ते जो भी बन गया झल्ला हुसैन दा, ओने कदी नी छोड़ना पल्ला हुसैन दा, दुनिया ते जो भी बन गया झल्ला हुसैन दा, ओने कदी नी छोड़ना पल्ला हुसैन दा। सुभान अल्लाह। खंजर दे हेठ नीती हैदर दे लाल ने, खंजर देहेठ नीती जहरा दिलाल ने, क
کربل دی گرم ریت ہے مصلی حسین دا سبحان اللہ اونے کدی نہیں چھوڑنا پلا حسین دا لکھاں یزیدیاں لئی کافی ہے دوست لکھاں یزیدیاں لئی کافی ہے دوست غازی جیاں مجاہد کلا حسین دا غازی جیاں مجاہد کلا حسین دا اونے کدی نی چھوڑنا پلا حسین دا دنیا تے جو بھی بن گیا جھلا حسین دا اونے کدی نی چھوڑنا پلا حسین دا سبحان اللہ جی ہو گیا مثال بنائی ہو رہا ہے مجھے وہ آ رہی ہیں لگتا ہے مرچی آپ نے جلائی ہوئی ہے مجھے پتہ تھا آپ مرچی جلاؤ گی کس انسان کو خود تو آپ مار رہی ہو مرچیوں میں گرمیوں میں ہمیں بھی ساتھ میں مارو گی تو آپ کو کس نے کہا ہے ویڈیو نہیں بنانی ہے ویڈیو نہ بناؤں پھر بند کر کے رکھ دوں موبائل مرچی کیوں جلا رہی ہو اس میں قصور ہمارا ہے ابراہیم خان مجھے بھی پانی پلانا بیٹھے صحیح ہے ہاں مجھے بھی پلا دینا پانی اپنے مما کو پلا لو پھر اس کے بعد ایک گلاس مجھے دے دینا ہم پئیں گے پانی کیونکہ مجھے بھی پیاس لگ گئی ہے کیونکہ میں نے نعت پڑھی ہے نا چھوٹی سی نعت پڑھی ہے آج تو اس وجہ سے تھوڑی پیاس لگ گئی ہے چلیں جی مثال الگ وہ پیاس لگ جاتی ہے نا پانی کولر میں بھی ختم ہو گیا بالٹی ختم ہو گیا پتیلا بھی ختم ہو گیا آج دوپہر کا پانی بھرا نہیں تھا آج کام ہو گیا آج اچھا ایسے کرتے ہیں نا آپ کرو نا کام جو کرنا ہے ہم ایک کولر نا آج ہیڈ سے بھر کے لے آئیں گے آج ہیڈ والا پانی ان کو چیک کروائیں گے اگر وہ اچھا لگتا ہے تو پھر ادھر سے پانی پینے والا ادھر سے لیں گے اور کھانے پکانے کے لیے ادھر فلٹر سے لیں گے کیسی بات ہے صحیح ہے چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی مثالے بنائی ہو چکے تھے ابھی چکن جو ہے نا وہ ڈال دیا ہے یہ نچھو میں جو ہے نا کام خراب کریں گے جلدی جلدی سے چکن میں تھوڑا سا پانی ڈالو اس کو بھنئی کے لیے بھنئی کرو اور اوپر سے نا ڈھکنا دے دو نہیں تو یہ سب جو ہے نا بہر وہ نیچے لگا رہے ہیں میرے پورے چہرے کو نا ایسے لگتا ہے جیسے آگ لگی ہوئی ہے آپ ایسے کرو ادھر نا نمک وغیرہ ڈالو اس میں بسم اللہ کر کے دیکھیں جی ماشاء اللہ چکن جو ہے وہ بھی ہمارا ایڈ ہو چکا ہے صبح کے تو صبح دیکھیں گے نا ہاں ابھی جو چیز بن رہی ہے یہ پوچھو بھی ابھی ہم کیا بنا رہے ہیں کیسے کھانسی ہے بہر آ جاؤ آ جانا آپ کا کام کیا ہے ادھر بہر بیٹھو ہوا پہ ادھر تو مرچی اڑائی ہوئی ہے آپ کی مما نے ہاں تھوڑا سا پانی ڈالو اور اس کو بھنائی کے لیے چھوڑ دو اوپر سے ڈھکنا لگاؤ گے ابھی لگاؤ ڈھکنے وغیرہ اور بہر آ جاؤ آپ بھی ہوا پہ آ جاؤ کافی پسینہ ہے اندر گرمی ہے تو اس کو لگاؤ اور تھوڑی دیر کے بعد نا چیک کر لیں گے نا تھوڑی دیر کے بعد